फ्रेंड्स, हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे, ये देसी घी है, और इसको हम इसमें ऐड करेंगे मैदे में। ये हमने 1/2 किलो मैदा लिया है। आप चाहे तो वनस्पति भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास देसी घी अवेलेबल था, इसलिए हमने देसी घी लिया है, और इसमें हम गाय का देसी घी, और साथ में हम इसमें एक आधा चम्मच सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, ये 22 रजब पे बनती है, आप इसको कभी भी बना, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको हम अच्छे से घी को इसमें मिक्स कर लेंगे, घी को बेकिंग सोडे को रवे में मिक्स कर लें, मैदे में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें बीच में एक अंदर बीच में वोल्केनो टाइप बीच में एक गटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसका आटा लगा लेंगे सॉफ्ट सा। ये हमने 1 किलो इतनी शक्कर ले ली है, और हम इसमें 1 गिलास इतना पानी डाल करके इसे पका लेंगे, जिससे कि इसकी एक चाशनी बन जाए, और हम इसका फिर मीठी पूरी का आटा गूंदेंगे। मीठी पूरी आप खस्ता वो आप शक्कर पारे बना सकते हैं इसके। फ्रेंड्स, ये देखिए हम स्टफिंग के लिए रवा छान रहे हैं। ये देखिए मैंने इसे छान लिया है अच्छे से। ये देखिए हमारी पतली सी चाशनी बनकर रेडी है। ये देखिए शक्कर मेल्ट हो चुकी है, बहुत अच्छी से बन चुकी है। फ्रेंड्स, हम 1 किलो रवे में 1/2 किलो मैदा डाल रहे हैं, मैदा भी हमने छान लिया है। ये देखिए मीठी पूरी के लिए इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू बादाम खोपरा बारीक किसा हुआ। और 5-10 ड्रॉप वेनिला एसेंस डालेंगे। मिक्स तो कर लूँ नी अम्मी। फ्रेंड्स, ये हमारा आटा नहीं ज्यादा ज्यादा सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, ये हमारा आटा गूंद कर रेडी हो गया है, और हम इसको 15 मिनट ढककर रख देंगे गलने के लिए। फ्रेंड्स, अब इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें हमने जो चाशनी बनाई है उससे इसमें डालेंगे, उससे हम आटा लगाएंगे। इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर हमने चाशनी तो उबरा लेंगे इस तरह से। हम इसे गूंदते जाएंगे, थोड़ा डालेंगे। मैं बना रहा था। ये हमारा 1.5 किलो रवा मैदा, क्योंकि हमारा 1.5 किलो रवा मैदा। ये घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें इलायची का बगान लगाएंगे। हमने इलायची पाउडर पहले से बना के रखा था, अब हम इसमें 1 किलो इतना रवा डाल के और सेकेंगे इसको। ये देखिए हम सब मिक्स कर रहे हैं इसमें, अब इस तरह से हम इसको सेक लेंगे गोल्डन होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें 1 किलो इतनी शक्कर डालेंगे, सॉरी 3 पाव इतनी 1 किलो रवे में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं या पानी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये 250 ग्राम इतना खोपरा, काजू, खारक, बादाम ये सब डाल रही हूँ। ये हम किशमिश डाल रहे हैं इसमें, सब मिक्स भी करते जा रहे हैं हम इसको साथ साथ, जिससे कि हमारा
पूरा एक जैसा मिक्स हो जाए, सभी जगह ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल जाए, रवा और वो एक हो जाए। ये देखिए हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया है और अब हम इसको पका रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पानी उबाल करके भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। और हम इसमें मावा भी ऐड कर देंगे। ये अब हम लोई बना रहे हैं, छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे इसके, और फिर उसके बाद में हम इनको देखिए हमने बेल ली है, गोल गोल कर लेंगे हम इनको, बनकर के रेडी है। और अब हम इसको गुजियों में भरेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। हम इसे 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इस तरीके से हम इसमें लई लगा लेंगे जो हमने मेले की बना के रखी है, और अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने काट लिया है इसको बचे हुए को, और ये हमारा गुजिया बन करके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अभी हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी। ये देखिए अब हम दूसरी लोई भी ऐसी लेंगे। आप इसमें के साथ इसे बना सकते हैं। ये हम एक चम्मच इतना मसाला रख लेंगे इसमें, ये लई लगा देंगे हम, डोल डाल देंगे। हाँ इस तरीके से हम इसको लई लगा करके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए प्रेस कर देंगे चारों तरफ से, और फिर इसको हम मम्मी आप कैसे कर लो जब ये ऐसा बन गया है मम्मी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें गुजिया डाल रहे हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे मंदी आंच पे। ये देखिए हमारा घी अच्छा तेज गरम था तो डालते जाइए फ्राई होगा। ये देखिए इस तरह के गोल्डन होने पर आप इन्हें निकाल सकते हैं। देखिए गोल्डन कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं और ये सबको पसंद आते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे गुजिया बनकर के तैयार है, हमने इन्हें फ्राई करके इसमें निकाल लिया है, और देखिए अब हम और बना रहे हैं। लगता है यही हुआ था।